हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोबीकेयर सॉल्यूशंस। सैमसंग M315 जो कि लोगो और स्टार्ट कंडीशन है। सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले लगा देता हूं, यहां पर लगाकर माइक्रोस्कोप में चार्जर लगाकर आपको बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं चार्जिंग परसेंटेज का लोगो भी आएगा, बट मोबाइल जब ऑन होता है तो ये रीस्टार्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें डुअल डेकर सीपीयू होता है, ज़ेनॉक सीपीयू विथ रैम। जैसा कि आप देख सकते हैं 0% में है अभी। तो चलिए सारे बेल्ट्स निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड जो है एकदम फ्रेश कंडीशन में है। तो सबसे पहले ये साइड की शील्ड निकालनी है हमको। अगर आपको डुअल डेकर सही तरीक़े से करने नहीं आता है तो ये एक वीडियो प्रॉपर देखिए, आप सारा सोल्यूशन इसमें दिया गया है, एयर हीट एवरीथिंग हमने बताई यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लू रिमूव करना है। तो ग्लू रिमूव करने के लिए जो हीट रखते हैं हम 250 और एयर रखते हैं 3, SMD है यहाँ पर 857 DW+। एयर 2 से 3 आप रख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो साइड ग्लू फर्स्ट कट करना है, फिर आपको रैम को रिमूव करना है। रैम को रिमूव करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से, यहाँ पर आपको आहिस्ता से रैम को निकाल लेना है। और रैम निकालने के लिए जो हीट लगती है आपकी 350 और एयर लगती है 3। तो यहाँ पर रैम रिमूव करने के बाद देख सकते हैं एयर हीट दोनों चीज़ यहाँ पे बताई गई है, और 857 DW+ की बात हो रही है। तो सबसे पहले सीपीयू उठाने से पहले सीपीयू के जो नीचे का जो छोटा सा सी है उसको क्लीन करना है। और सीपीयू के ऊपर आप देख सकते हैं ग्लू है, ग्लू को 11 नंबर ब्लेड के साथ 2.5 एयर के साथ आपको क्लीन कर लेना है। सारा ग्लू निकालना है अच्छे से, और ग्लू क्लीनर से हम सीपीयू को क्लीन करते हैं। और थिनर अच्छा लेना है, और इसका ब्रश भी आता है सारे होल्स को क्लीन करने का, जो ये रैम के जो गड्ढे आप जिसे कहते हो, होल्स जिसे कहते हैं, छोटा वाला जो सी है उसको अच्छे से आपको बनाना है। ऊपर का जो बड़ा सी है वो हमारा ग्राउंड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेड से मैंने एक एक पिन को चेक किया है। अभी इसको और साफ़ करना है और क्लीन करना बाकी है। अच्छे से देखिए आप, इसके अंदर ग्लू फंसा हुआ होता है, और वो ग्लू रहने के कारण हमारा नया बॉल इस पर बनता नहीं है और सेट हमारा ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बॉल्स को अच्छे से क्लीन करते हुए, अच्छे से क्लीनिंग करेंगे आप तो वन टाइम में आपका सेट ऑन होगा, इस चीज़ का गारंटी है फ्रेंड्स। आप क्लीन अच्छे से नहीं करते हो इसलिए आपका ऑन नहीं होता है सेट। यहाँ पे देख सकते हैं दो कैप्स रिमूव करेंगे ताकि हमारा जो IC लिफ्टर है वो CPU में जा सके। तो दो तरफ से मैं CPU को लिफ्ट करूँगा, नीचे साइड से ये देख सकते हैं यहाँ से, और ऊपर साइड से। आहिस्ता आहिस्ता आपको हीट करनी है। 350 हीट रखिए, एयर 3 रखिए, 350 360। बहुत आसानी से हमारा CPU यहाँ पर लिफ्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले ग्लू डालेंगे और आयरन से हमारा जो PPD है उसके साथ मिक्स करके PCB को सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। ध्यान रखना है आसपास का कोई भी एक रेजिस्टर या कोई भी एक कैपेसिटर मिस नहीं होना है या मिसप्लेस नहीं होना है, अदरवाइज़ आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। CPU के पास जितने भी नियर बाई कॉम्पोनेंट्स रहते हैं उसको ध्यान रखना है। नीचे जो प्रिंट आपके डैमेज होंगे वो होंगे ओनली NC पिन, वर्किंग पिन कोई भी आपका डैमेज नहीं हुआ है। बहुत आसानी से हमने इसको ओपन कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। डिसोल्डर वायर से एक बार क्लीन कर देंगे ताकि कुछ ग्लू वगैरह है तो डिसोल्डर से ग्लू और PPD सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। ज़्यादा फोर्स या ताकत नहीं लगाना है, अदरवाइज़ नीचे के सारे गोले आपस में मिल जाएंगे, PCB पे जो बॉल है वो आपस में मिक्स्ड हो जाएंगे, फिर हम जब IC लगाएंगे तो हमको दिक्कत आएगी। नर्म हाथों से आपको करना है। अब हम फ्रेंड्स इसके ऊपर जो ग्लू होता है उसको हीट देकर आहिस्ता आहिस्ता से जो बचा कुचा ग्लू है और कंपोनेंट्स देख सकते हैं मैंने सारे साफ़ किए हैं नियर बाई। हर कंपोनेंट में मैंने ब्लेड से दोनों को साफ़ किया है ताकि वो एयर में ना रहे। साथ ही साथ यहाँ पर ग्राफिक IC का भी ग्लू कट कर रहा हूँ मैं। ये M31 में नीचे एक ग्राफिक IC होता है, वो हमेशा शॉर्ट हो जाता है हीट के कारण, फिर ग्राफिक आपका नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर एडवांस में ही ग्लू कट करके रख लिया हूँ यहाँ पर।
अगर ज़रूरत पड़े तो, ज़रूरत पड़े तो हम आईसी को भी निकालेंगे, अदरवाइज़ देखते हैं अभी। तो सीपीयू हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है, उसके बाद रैम को क्लीन कर लेंगे और सीपीयू के जो रैम के हिस्सा है उस हिस्से को अच्छे से साफ़ करेंगे, और जितना हमने साफ़ किया पीसीबी में लगा हुआ था अब बाहर निकालने के बाद भी अच्छे से साफ़ करना है आपको। इसको थिनर से नहला देना है, अंदर जितना ग्लू है, बॉलों के अंदर ग्लू फंसा हुआ होता है जो दिखता नहीं है आपको, उसको अच्छे से साफ़ करना है फ्रेंड्स आपको। और चलिए हमारा रैम साइड हो चुका है, अब सीपीयू क्लीन करेंगे इसको हम, ये इधर उधर भागेगा इसलिए हम इसको पीसीबी होल्डर में फिक्स कर लेते हैं ताकि ये कहीं भी मूव ना हो, क्योंकि हमको आईसी को वापस लगाना भी है, ओनली सीपीयू नहीं डाल सकते इसमें हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू को फिक्स कर लिया है मैंने। फ्लक्स और मेल्टिंग टेम्परेचर कम करने के लिए अपना पीपीडी जो हमारा रंगा होता है उसको मिक्स करने के बाद डिसोल्डर वायर यहाँ पे चला देना है, थिनर से साफ़ करेंगे, उसके बाद ब्लेड से सारा ग्लू हम हीट दे करके सारा ग्लू निकालेंगे। तो हीट जो देंगे यहाँ पर 250 और एयर 3 पे रखेंगे। बहुत केयरफुली क्लीन करिए सीपीयू, डैमेज ना हो, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत नरम हाथों से करना है आपको, आराम आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से आपसे हो जाएगा। एक बार होने के बाद एक और बार भी करते हैं, फिर से फ्लक्स डालेंगे, फिर से डिसोल्डर करेंगे, क्योंकि एक बार में ये क्लीन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये सारा क्लीन हो चुका है अच्छे से, थोड़ा ब्रश से हम साफ़ कर लेते हैं। चलिए सीपीयू साइड भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पीछे पलटाने पर नीचे से कुछ उसमें डस्ट वगैरह जा सकती हैं। क्लीन हो जाए तो सबसे पहले हमको सीपीयू के ऊपर वाला हिस्से को हमको साफ़ करना है, और उसी में हमको पीपीटी भर के ऊपर के बॉल बनाने हैं। ऊपर के बॉल ये स्टेंसिल से नहीं डायरेक्टली बन जाते हैं, देख सकते हैं सीपीयू हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब रही बात इसमें नीचे का जो सी है उसको, जो पहले के बॉल है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं हीट और एयर दे करके। कुछ भी ग्लू यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अच्छे से चेक कर लेना है आपको पीपीटी लगाने से पहले, क्योंकि पीपीटी लगाने के बाद पीपीटी वो ग्लू के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, फिर वो बॉल ऐसे ही हवा में रहेगा, फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा। ये देख सकते हैं ये मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे लगा रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि हम हाथ में पकड़ कर इसको लगा देते हैं तो पीपीटी हमारा वेस्ट नहीं होता है, बट यहाँ पर माइक्रोस्कोप में दिखाने के लिए नीचे रख कर आपको, अब एक क्लॉथ लेंगे उंगली में फंसा करके क्लॉथ से साफ़ कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा पीपीटी है वो क्लॉथ में आ जाएगा और वहाँ पर वही बच जाएगा जो उन बॉलों में रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी डस्ट नहीं आना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको पीपीटी के अंदर डस्ट होगा तो बॉल प्रॉपर नहीं बनेगा, तो डस्ट निकाल करके वापस से पीपीटी भर लेना है आपको। चलिए यहाँ देख सकते हैं कुछ डस्ट आ गया था, तो यहाँ पर हीट 290, एयर 2 से 3 देंगे, देख सकते हैं ऐसे हीट देने से ये बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे, एयर डालेंगे, थोड़ी सी एयर देंगे, एयर 2 से 3 रखेंगे ताकि कुछ हवा में अगर बॉल है तो वो बाहर निकल के आ जाए, ताकि हमको समझ में आ जाए, अदरवाइज़ वो गोले बॉल में बैठे रहेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। देख सकते हैं बहुत सफाईत के साथ यहाँ पर एक और बार बना लेना है आपको ऊपर का, ना जितने बने ठीक है, ना बने तो भी कोई बात नहीं, सारे के सारे ग्राउंड है, जो बड़ा सा लेफ़्ट साइड का सी है आपको राइट साइड वाला ही बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सीपीयू बनके रेडी है, बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है, ध्यान से काम करिए। तो आपने देखा बहुत आसानी से इसको हमने बना लिया है। अभी हम रैम क्लीन करेंगे, उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, यानी इसके पीछे रिवॉल्व करके वापस से हम लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सीपीयू को देख सकते हैं आप, सीपीयू हमने क्लीन कर लिया था, अब स्टेंसिल लेंगे और फटाक से सीपीयू को रिवॉल्व कर लेंगे, और रिवॉल्व करने के बाद सीपीयू और रैम दोनों हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके चेक करते हैं। रिवॉल्विंग के लिए देख सकते हैं यहाँ पर
स्टेंसिल आपको रख लेनी है, मैच करने हैं सारे गोले और अप्लाई करेंगे फ्लक्स, पीपीडी अप्लाई करेंगे जिसे हमको बॉल बनाने हैं। एयर और हीट 340 और हीट 340 और एयर रखेंगे यहाँ पर 2 से 3 के आसपास। ये देख सकते हैं सीपीयू बहुत आसानी से बन जाएगा आपका। थोड़ा सा फ्लक्स डाल लेंगे क्योंकि पेस्टेड था, नीचे सारे गोले अच्छे से सीपीयू को फिक्स हो जाएंगे पेस्ट डालने से। चलिए यहाँ पर हमारा सीपीयू भी रेडी हो चुका है और रैम सीपीयू के दोनों साइड हमने बना लिए हैं। साफ सफाईयत के साथ आपको काम करना है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बार बार कहा है आपको, पेशेंस के साथ करिए। ये देख सकते हैं हमारा सीपीयू यहाँ पर रेडी है, तो अभी हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे। अब देख सकते हैं बहुत सफाईयत के साथ काम करना है, ग्लू नहीं रहना है इसमें बिल्कुल भी, एकदम क्लीन आपका सीपीयू रहना है। अगर आपको हैंड स्किल सीखना है इस तरह से, आप फ़ोन फिक्स हैदराबाद मोबीकर सॉल्यूशंस टीम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मेरा क्लास है जिसमें सारा चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी सारा चीज़ आप सीख सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, तो फ्लक्स अप्लाई करेंगे और सीपीयू लगाएंगे जो हमने लगाया है। नोज कट पॉइंट और डिज़ाइन मैच करके आपको लगाना है, छोटा सी इसमें नीचे लगता है। अच्छे से मैच करिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले कोई बात नहीं, लेकिन काम एक बार में सक्सेस होना चाहिए, उल्टा या फिर गलत नहीं लगना चाहिए। हीट यहाँ पर 360 और एयर रखेंगे 3, क्योंकि सीपीयू लगाना है, कम हीट में तो लगेगा नहीं, और प्रेशर भी देंगे एयर का ताकि दब करके वो नीचे जा करके सारे बॉल पीसीबी से टच हो जाए। कोई भी अगर एयर में रहेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। जो कैपेसिटर्स हमने निकाले थे उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नियर बाई जो कैपेसिटर होते हैं सीपीयू के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको भी लगा लेते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर हमने निकाला था और यहाँ पे एक, तो इसको भी लगा लेता हूँ मैं। थोड़ा सा नीचे पहले रंगा लगा देते हैं। चलिए तो यहाँ पे रैम क्लीन करेंगे, जो ऊपर से हमने रैम खोला था पहले, तो क्लीन का प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले पीपीडी अप्लाई कर लेते हैं, फिर डिसोल्डर वायर मारेंगे, फिर आपका साफ होने के बाद रिबॉलिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्लीन होने के बाद रैम को रिबॉल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिसिंग है पार्ट क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी फ्रेंड्स रैम क्लीनिंग का, बहुत नाजुक होता है रैम, बहुत ध्यान से आसानी से आपको करनी है, बहुत केयरफुली आपको करना है। सारे गोले प्रॉपर होने चाहिए, छोटे बड़े होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। चलिए रैम भी रिवॉल्व हो चुका है हमारा, और रिवॉल्व होने के बाद रैम निकालेंगे और चेक करेंगे। देख सकते हैं सारा अच्छे से बन चुके हैं बॉल, थोड़ा साफ़ करके आपको बता देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं सारे बॉल प्रॉपर बन चुके हैं, एकदम क्लीन। अब हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे पीसीबी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू हमने पहले लगा लिया था, थोड़ा पीपीडी अप्लाई फ्लक्स अप्लाई करके जो है अभी हम रैम को लगाएंगे। अच्छे से प्रॉपर आपको सेट कर लेना है रैम, और उसमें ज़्यादा शेक नहीं करना है क्योंकि इंटरनल शॉर्ट हो सकता है, वो खुद अपने से बैठेगा। देखिए आप अच्छे से, वो खुद अपने से बैठ जाएगा, आपको ज़्यादा उसको शेक वगैरह नहीं करना है। तो चलिए रैम हमारा लग चुका है, और अभी हम फोल्डर में लगा करके चेक करेंगे कुल होने के बाद। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर में मैं बोट को बिठा लेता हूँ, एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। शील्ड वगैरह निकला हुआ है हमारा, सेम पीसीबी है, इस पर हमने काम किया है। तो चलिए फोल्डर में फिट कर लेते हैं।
और फिट करके चार्जर लगा कर चेक करेंगे, क्योंकि 0% था, कोई चार्जिंग नहीं थी यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो आ चुका है जो हमने काम किया, वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे 1.1 एम्पियर ऐसे ले रहा था, फिर 0.6 लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं 0% यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे ये 1% चार्ज हो जाता है तो इसको हम ऑन करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी हम इसको ऑन कर देंगे एक बार और ऑन करके देखेंगे। तो ये पूरा डेड, जैसे कि आपने पहले देखा कि इसको कैसे हमने सीपीयू निकाला, रैम निकाला, क्लीन किया, रिवॉल्व किया। तो ये हैंड स्किल का काम होता है, अगर आपको सीखना है आप ज्वाइन कर सकते हैं मोबिकेयर सॉल्यूशंस। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और हैंडसेट अभी ऑन होते हुए। और ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर मिल जाए तो कॉल करें। ऑनलाइन में आपको फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट डायग्राम, स्केमेटिक, DSO का ट्रेनिंग, कैसे सिग्नल लाइनें चेक करना है, सारा चीज़ बताएंगे। 6 महीने तक आपके पास एप्लीकेशन रहेगा। तो ये देख सकते हैं हैंडसेट यहाँ पे ऑन हो चुका है। अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।